असल अजीज़ तलबा और तालबात ह्यूमन रिलेशंस कोर्स के हवाले से आज अट्ठाईसवा लेक्चर है इसमें हम इंटरव्यू स्किल्स के बारे में बात करेंगे और इस टॉपिक है इम्प्रूविंग इंटरव्यू स्किल्स इंटरव्यू एक टेक्निक है जिसके जरिए आपको एम्प्लॉयर असेस करता है कि वेदर यू विल बी ए गुड वर्कर एम्प्लॉयी फॉर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट नाउ इफ यू नो द प्रोसेस थ्रू विच योर एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन इन विच यू हैव अप्लाइड फॉर अ जॉब वो किस प्रोसेस के जरिए आपको असेस करते हैं यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ बेटर फॉर द जॉब फॉर द इंटरव्यू इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए हम कुछ बातें आपसे करेंगे जिससे यू प्रोबली विल बी एबल टू इंप्रूव योर इंटरव्यू स्किल्स आप समझते हैं रिक्रूटमेंट का प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अहम होता है क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम है प्रोडक्शन है सर्विस है जो भी काम होने हैं या करने हैं वो इंसानों ने ही करनी हैं वो एम्प्लॉज ने ही करने हैं ऑल दो मशीनें भी इस्तेमाल होती हैं लेकिन मशीनों को चलाने इस्तेमाल करने वाले इंसान हैं और वो वर्कर्स हैं जिनको रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जरिए सिलेक्ट किया जाता है पिछले दो लेक्चर्स में जॉब सर्च और रेज्यूमे बनाने के बारे में हमने बातें की वो भी रिक्रूटमेंट के ही रिलेटेड लेक्चर्स थे और आज अगला स्टेप है कि आपके रेज्यूमे ने या सीवी ने या करिकुलम वीटे ने आपको जॉब इंटरव्यू के लिए बुला लिया आपके जॉब इंटरव्यू के लिए आपकी सिलेक्शन हो गई तो नाउ हाउ वुड यू सक्सीड इन द जॉब इंटरव्यू इसके लिए हम कुछ स्किल्स कुछ टेक्निक्स कुछ वो बातें सीखने की कोशिश करेंगे जिनके जरिए यू प्रॉबली कैन बी अ सक्सेसफुल एम्प्लॉई और सक्सेसफुल इंटरव्यू फॉर द जॉब व अप्लाइड फॉर बिफोर आई स्टार्ट टाकिंग अबाउट दोज टेक्निकल स्किल्स विच यू नीड टू बी ए सक्सेसफुल इंटरव्यू ये बात कहना चाहूंगा दो तीन की किस्म की चीजें हैं दो तीन बहुत कार्डिनल चीजें हैं जिसके नीचे बाकी सारी चीजें गाइड होंगी एक तो बात सीधी सी है समझने वाली वो ये एनी एम्प्लॉयर वुड लाइक टू असेस यू हाउ यूजफुल यू आर फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन और फॉर दैट एम्प्लॉयर इन अदर वर्ड्स यू शुड आस्क योर सेल्फ ए कार्डिनल क्वेश्चन वट कैन यू डू फॉर दर्गेनाइजेशन वट कैन यू डू फॉर द एम्प्लॉयर जब आप ये सवाल पूछेंगे अपने आप से तो शायद फिर कई और सवाल आपके जहन में आएंगे कि हाउ कुड यू बिकम एज यूजफुल एज पॉसिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन विच यू आर एस्पायरिंग टू गेट अ जॉब तो ये चीज जानना कि हाउ यूजफुल आर यू इसके लिए कुछ प्रोसेस है जिसमें आपको अपने बारे में जानना पड़ेगा आपको अपनी स्किल्स के बारे में जानना पड़ेगा और फिर जो एम्प्लॉयर है वो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या बनाते हैं क्या करते हैं क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं किस तरह का एम्प्लॉय उनको चाहिए तो ये एक लिहाज से एक फिट है बिटवीन द स्किल्स एंड इंडिविजुअल प्रेजेंट्स एज ए पैकेज टू द एम्प्लॉयर एंड द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयर व्हिच एम्प्लॉयर वांट्स टू सेटिस्फाई थ्रू द वर्क ऑफ दैट एम्प्लॉय आजकल टेक्निकल स्किल्स के अलावा इस कोर्स के हवाले से मैंने पहले भी इस तरह की बातें की होंगी कि टेक्निकल स्किल्स अपनी जगह बिहेवियरल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं क्योंकि आपने लोगों के साथ मिलकर काम करना है दूसरे को वर्कर्स के साथ मिलकर काम करना है तो बिहेवियरल स्किल्स की बहुत अहमियत बढ़ चुकी है तो इसलिए टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स टेक्निकल कॉम्पिटेंस टेक्निकल एजुकेशन अपनी जगह इंपॉर्टेंट है बट हाउ डू यू रिलेट विद अदर्स हाउ डू यू एसोसिएट विद अदर्स, हाउ डू यू वर्क इन अ टीम ये चीजें भी इंटरव्यू में असेस की जाती हैं और बिहेवियर के रेफरेंस से मैंने बताया कि यह एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जिसको जज किया जाता है इन एन इंटरव्यू एक चीज और कहूं वो ये है पॉजिटिव एंड एक्यूरेट पिक्चर ऑफ योर सेल्फ पॉजिटिव एंड एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ यूर सेल्फ दैट इज वट यू नीड टू प्रेजेंट टू दू द इंटरव्यूअर पैनल ऑफ इंटरव्यूअर्स उनको आपने अपने बारे में सही और पॉजिटिव इमेज देना है तब शायद आपका वो सक्सेस वाला सक्सेसफुल इंटरव्यू होने के चांसेस है एक बात और इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे कहूं जिसको आपने बेशुमार दफा सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन मेक ए गुड फर्स्ट इंप्रेशन एज सुन एज यू एंटर इन टू द रूम यू आर यू विल बी इंटरव्यूड वंस अगेन लाइक टू एम्फेसाइज दैट यू शुड थिंक वट यू कैन डू फॉर द कंपनी और द एम्प्लॉयर हाउ कुड यू बी यूजफुल फॉर द कंपनी द एंप्लॉयर एंड थ्रू दैट इंटरव्यू डिमोन्स्ट्रेट हाउ यूजफुल यू कुड बी फॉर द एंप्लॉयर अगर ये चीजें आप अपने जहन में डाल लें तो फिर अगली बातें जो मैं करने वाला हूं वो आसान हो जाएंगी बेसिकली एन एम्प्लॉयर इज लुकिंग फॉर ए पर्सन हु कूड बी यूजफुल फॉर द कंपनी और फॉर द एंप्लॉयर और आप यह महसूस करते हैं कि जो मेरे गोल्स हैं जो मेरे इंटरेस्ट हैं वो पूरे हों वाइल आई एम वर्किंग विद द प्रोस्पेक्टिव कंपनी और एम्प्लॉय अब इन दोनों में अगर हैप्पी मैच हो जाए तो ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस सक्सेसफुली आगे चलता है अगर ये चीजें लेके आगे चलूं, तो मैं फिर आपसे कुछ थोड़ी सी बातें और करता हूं एक स्लाइड है इस पे इसमें देखिए इसमें बेसिकली दस ग्यारह पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि हाउ कुड यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर ए सक्सेसफुल इंटरव्यू लेट मी टेल यू यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ बाय प्रैक्टिसिंग बाय नोइंग द टेक्निक्स ऑफ इंटरव्यूइंग आप अपने आप को अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि दिस इज समथिंग विच कैन नॉट बी लर्नड यू कैन लर्न हाउ टू बी ए गुड इंटरव्यू ताकि आप जिस जॉब के लिए आपको इंटरव्यू किया जा रहा है वो जॉब आप हासिल कर सकें यहां पर एक बात और कहूं डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आपके अंदर जो स्किल्स हैं वो अल्टीमेटली एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को या कंपनी को पता चल ही जाएंगी ये तो बात ठीक है अल्टीमेटली पता चल जाएंगी बट प्रॉब्लम इज

एजुकेशनल करियर ऑक्यूपेशनल करियर इफ देर इज वन या और बहुत सारी चीजें अबाउट द कंपनी अबाउट द प्रोडक्ट विच दैट कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग उसका मार्केट uh, में स्टेटस इस तरह की बहुत सारी चीजें जो आपको फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन आपके बारे में और एम्प्लॉयर के बारे में वो आपके पास होनी चाहिए दैट इज पार्ट ऑफ मेजर पार्ट ऑफ योर प्रेपरेशन फॉर द इंटरव्यू तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बताया कि 10-11 पॉइंट्स हैं उनमें से ये पहला पॉइंट है दूसरी बात जो मैं कहूंगा कि यू शुड ड्रेस अप ड्रेसअप व्हेन आई से अप्रोप्रियटली दैट मींस लुक एट दॉर लुक एट ऑर्गेनाइजेशन वो किस तरह का अटायर पसंद करते हैं किस तरह का वहां पर ड्रेसअप होने का स्टाइल है उसके मुताबिक अपने आप को प्रेजेंट करें नॉट

उसके लिए यू नीड टू ड्रेस अप योरसेल्फ इन ए गुड वे मिला नॉट रियली गुड व्हाट आई मीन टू से के आपके अच्छे सूट टाई के साथ जाते हैं तो दैट इज डिजायरेबल लेकिन वहां पे अगर आप कैजुअल कपड़े पहन के चले जाएंगे तो शायद वहां पे भी कंपैटिबिलिटी का इशू आ जाएगा सो so, अप्रोप्रिएट का मकसद यह है कि जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है उसके मुताबिक और जिस तरह की जॉब है उसके मुताबिक आप अपने अपने आप आपको ड्रेसअप करके जाए तीसरा पॉइंट इसमें है फोकस ऑन जॉब फैक्टर्स नॉट बेनिफिट्स और पर्क्स और अदर वोकेशन समथिंग लाइक दैट जो जॉब जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ना उसके बारे में जानिए जॉब की नेचर क्या है जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है जॉब किस तरह की है उसके बारे में अपने आप को तैयार तो कीजिए ना कि आप ये पूछें कि जी इसके बेनिफिट्स क्या हैं इसकी कॉम्पनसेशन क्या है आल दो वो भी आ सकती हैं लेकिन आपका फोकस जॉब की नेचर जॉब की रिक्वायरमेंट एंड द फिट बिटवीन योरसेल्फ एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब इस पर आपका फोकस होना चाहिए इस पर इंफॉर्मेशन हासिल करें चौथा पॉइंट है बी प्रिपेयर्ड फॉर ए फ्रैंक डिस्कशन अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बी ऑनेस्ट टेल योर सेल्फ Can do few things, and everybody may not be able to do few things. So, isliye apne banake present karna, pretend karna, that is not desirable. That will not be liked. So, isliye have a fr be prepared for a frank, honest discussion about yourself, about your strengths, about your weaknesses. इससे क्या होगा दॉयर विल बी एबल टू असेस यू एकटली वेदर यू कैन बी यूजफुल फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट तो इसलिए अपने बारे में अपने आप को प्रिपेयर करके जाए कि जो आपकी आपके बारे में इंफॉर्मेशन है आपके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो आपको पता हो और वो आप शेयर कर सकते हो अगर कोई एरियाज ऐसे हैं जिनमें इंप्रूवमेंट हो सकती है बी प्रिपेयर्ड टू एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर विच योर एम्प्लॉयर माइट प्रोवाइड यू अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेनिंग फॉर एजुकेशन फॉर इंप्रूविंग योर स्किल्स ये भी इंप्लॉयर को अच्छा लगेगा कि आपको अपनी वीकनेसेस का पता है और आप उन वीकनेसेस को लुक आफ्टर या इम्प्रूव करने के लिए तैयार है तो इसलिए अगर इस तरह की बात भी करेंगे तो एम्प्लॉयर इस चीज को पसंद करेगा दैट यू नो योर स्ट्रेंग एंड वीकनेसेस एंड इफ द एम्प्लॉयर एसेस के इस एरिया में ये एम्प्लॉय ये प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय वीक है प्रॉबेबली दे माइट हैव ए प्रोग्राम और दे माइट हेल्प यू टू गेट दैट ट्रेनिंग तो इस तरह की काम इस तरह के बात करने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपको पांचवा पॉइंट डू नॉट टॉक नेगेटिव थिंग्स अबाउट पास्ट एम्प्लॉयर्स जिनके पास आप पहले काम करते रहे हैं किसी वजह से भी वहां से छोड़ के आ गए हैं या आ रहे हैं उनके बारे में नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि कल को वो जो आपका करंट लेट्स ए प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है वो ये सोच सकता है कि कल यहाँ से छोड़ के जाएगा तो फिर हमारे बातें हमारे बारे में नेगेटिव बातें करेगा तो दैट विल गो अगेंस्ट यू जो आपका पास्ट एम्प्लॉयर है उसके बारे में नेगेटिव बातें करने की बजाय यू में से कि भाई अब मेरी प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं या हालात बदल गए हैं नाउ नाउ देर इज अ न्यू एन्वायरमेंट इन द कंपनी और समथिंग व्हिच आर नॉट कंपैटिबल टू माय सिचुएशन वो इस तरह की बात करके आप अगर आपसे इस तरह का सवाल किया जाए कि आप ये जो करंट जॉब है इसको क्यों छोड़ रहे हैं इस तरह का सवाल किया जाए यू डोंट नीड टू टॉक नेगेटिव

advise you as interviewees that you should also prepare a set of questions which you may ask from your employers intelligent questions the questions which could help the employer to learn more about yourself to learn about the interest of yours in that job to learn what how skillful you are to learn how beneficial you could be for that organization, how useful you could be for that organization, what you can do for that organization. जब इस तरह के इंटेलिजेंट क्वेश्चन करेंगे जिससे वो आपके बारे में सही असेसमेंट कर सके एक दूसरे नंबर पे उनको ये एम्प्लॉयर को ये एहसास हो सके आपको उनकी ऑर्गेनाइजेशन का पता है उनके सेटअप का पता है उनकी काम करने के तरीकेकार का पता है उनके कल्चर के बारे में पता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात करो वो पता है उनकी प्रोडक्ट्स के बारे में पता है उनकी शायद जो नीड्स हैं रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में पता है तो द कंपनी विल प्रॉब्ली डेवलप ए पॉजिटिव इमेज अबाउट यूर सेल्फ एंड यू माइट बी सक्सेसफुल इन द इंटरव्यू तो ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी करना एम्प्लॉयर्स को अच्छा लगता है एक और चीज जिसमें इंटरव्यूई या जॉब सीकर वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं ऑब्वियसली वो है पे एंड कॉम्पेंसेशन के आपकी सैलरी आपके बेनिफिट्स आपका पे पैकेज उसमें क्या चीजें इन्वॉल्व है क्या पर्कस इन्वॉल्व कोशिश कीजिए कि यू डोंट इनिशिएट दिस टॉपिक ऑफ कॉम्पेंसेशन योर रादर

knowing what is the compensatory package while you are being interviewed once again let it be initiated or started by the employer rather than you as an employee or an interviewee agla point hai smile and present a positive attitude present a positive image aap agar khush ayenge, to ye ik acha image chodega. Don't feel depressed, don't feel dejected, don't feel desperate for the job or something. Be confident in yourself. Be confident that you are useful for the organization. Be confident that if not this employer, maybe another employer will hire you. So desperation show karni And give a smile. हैप्पी तो अगर आप इस तरह की चीजें प्रेजेंट करेंगे अपने एम्प्लॉयर को उनको बताएंगे कि यू हैव ए पॉजिटिव एप्टीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव थिंकिंग तो वो आपके बिहेवियर से जिसमें अगर मैं यहां पे एक लफ्स यूज करता चलू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये स्माइल भी आती है आपका फेस आपका बैठने का स्टाइल स्ट्रेट सेट अप राइट राधर देन बी राधर देन सिटिंग इन इन ए सॉर्ट ऑफ ए वेरी रिलैक्स रिलैक्स वे बी अलर्ट टू सिचुएशन टू द क्वेश्चन स्ट्रेट अप राइट जैसे मैं बैठा हूं तो यह भी एक चीज ऐसी है जिसको मैंने कहा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए भी वो आपको असेस करते हैं हाउ इंथ्यूजियास्टिक यू आर हाउ पैशनेट यू आर हाउ इंटरेस्टेड यू आर इन पॉजिटिव परस्पेक्टिव नॉट डेस्परेट इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड इन द जॉब होना यह अलग चीज है डेस्परेट होना अलग चीज है इंटरेस्ट शो करें डेस्परेशन शो नहीं करनी चाहिए इसके अगला पॉइंट है एम्फेसाइज ऑन दो स्किल्स विच कुड बी यूजफुल टू द द्लॉयर ये जो स्किल बेनिफिट मैच है ना इसको बहुत स्टडी करना चाहिए मैंने कहा स्टार्ट में मैंने जोर दिया था थिंक हाउ यूजफुल यू आर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन थिंक व्हाट यू कैन डू फॉर दर्गेनाइजेशन ये जानने के लिए यह जो मैच है बिटवीन योर स्किल्स एंड द बेनिफिट्स विच ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू गेट फ्रॉम दोज स्किल्स ऑफ योर्स इस मैच पे बहुत तोज्जो देने की बात है क्योंकि ये मैच आपको बताएगा हाउ यूजफुल यू आर और यू कुड भी फॉर दर्गेनाइजेशन जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं जिस चाप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए आप एक स्टेटमेंट भी बना सकते हैं जस्ट टू प्रिपेयर योरसेल्फ सेल्फ कि वट स्किल्स यू हैव एंड हाउ दो स्किल्स ऑफ योर्स आर कंपेटेबल विद द नीड्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर विद अ रेफरेंस टू द जॉब यू हैव अप्लाइड फॉर यानी इसमें तीन चीजें आ गई एक एम्प्लॉयर एक जॉब एक आपकी स्किल्स इन तीनों का मैच ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है In terms of interview being successful. Is important thing cheese demonstrate karna about the match between what you present, what you offer, and the needs of the organization. Yes, needs of the organization and your skills. Income match. Lekin, is

अगर आप ये पहचान सकेंगे तो देन विल यू विल बी एबल टू टॉक अबाउट दोज बेनिफिट विच यू कैन ऑफर एज एन एम्प्लॉ एज ए वर्कर थ्रू द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर तो ये इन चीजों को स्टडी करना विल मेक यू विल गिव यू प्रेपरेशन और विल प्रिपेयर यू बेटर फॉर द इंटरव्यू दसवां पॉइंट वैसे मैंने किसी हद तक डिस्कस कर लिया लेकिन वो है अवॉइड अपियरिंग डेस्परेट बी ओपन अबाउट टेकिंग द जॉब ऐसे महसूस नहीं होना चाहिए कि आपको जो भी कंडीशंस दी जाएं, पे पैकेज की या वर्किंग uh, आवर्स की या कोई और इस तरह से नहीं नजर आना चाहिए दैट यू आर डेस्परेट एंड यू विल गेट द जॉब वट द कंडीशंस आर एसोसिएट विद दट जॉब बल्कि You should show an open aptitude or attitude towards accepting the job. One more thing we often forget, the 11th but I think it is important. Wo ye ke aapka interview ho gaya, chale ke, yes, there might have been many persons who could have been interviewed for that one job or maybe more than one job. Now, should you sleep over it and don't get in touch with the employer or should you get in touch with the employer i think you should maybe write a thank you note um, sh um maybe write a letter that thank you so much for interviewing me on such and such date for such and such job it was a uh, rewarding experience for me to to be inter interviewed by your esteemed company it was a Good learning opportunity for me and it was good to know about the um, company about the um, nature of the job show your interest that you you are looking for that job Let me tell you such a letter which shows or indicates your interest continuing interest to work for the company might actually fetch you a job. तो इसलिए उसको फॉलो थ्रू करना ये भी आपका काम है यह भी अच्छे इंटरव्यू की इंटरव्यू को फॉलो करने के लिए करने के लिए यह शायद um, अच्छा तरीके का आ रहा है दैट यू सेंड ए लेटर आफ्टर मे बी टू थ्री फोर फाइव डेज डिपेंड्स ताकि एम्प्लॉयर महसूस करे दैट यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट दिस जॉब एंड यू आर इंटरेस्टेड इन द जॉब एंड दैट विल गो टू योर क्रेडिट इस ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेरी नजर में जिसको आपको करना चाहिए अब मैं एक स्लाइड पर लेके जाता हूं आपको उस स्लाइड में बारह चौदह सवाल हैं जो जनरली पूछे जाते हैं अब ये सवाल आपके सामने या क्वेश्चन जो लिखे गए हैं या स्क्रीन पे मौजूद है ये आपको तैयार करने के लिए है कि किस तरह के सवाल आमतौर पर एम्प्लॉयज पूछते हैं टू असेस वट आई हैव ऑलरेडी टॉक्ट अबाउट वो किस तरह से सवाल करते हैं किस तरह से वो चीजें असेस करते हैं जिनके जरिए दे फाइंड आउट वेदर यू आर ए गुड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय फॉर ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट सवाल इस तरह का हो सकता है पहले नंबर पे लेट्स वाई डिड यू अप्लाई फॉर दिस जॉब वॉट आर द रीजन टू अप्लाई फॉर दिस जॉब उसमें कई फैक्टर्स होते हैं यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दिस फॉर सच ए क्वेश्चन कि मे वी यू आर लिविंग दास्ट जॉब विच यू आर विच यू हैव अब ये चीज भी अपनी जगह मैंने पहले बताया कि डोंट टॉक नेगेटिव अबाउट दी पास्ट एम्प्लॉयर तो जब आप प्रिपेयर होंगे कि भाई क्यों आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किया तो आपको पता होना चाहिए कि ये जॉब किस तरह की है ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है So, try to find a good match between your skills and the job and the employer's needs. Hai, pooch sakte hai. Tell us about yourself or tell me about yourself. Now, this is an open question. You need to talk about yourself. Once again, knowing the job, nature of job, and knowing the company, you can talk relevant facts and information relevant skills about yourself. wo ab matange, don't go to irrelevant chisima matange, maybe that is not what they are looking for, al an organization looking for appropriate skills, technical skills, let's say once again in auto industry. अब आपकी एजुकेशन शायद उतनी रेलेवेंट नहीं है जितना वो एक्सपीरियंस रेलेवेंट है जो आपने लट से पिछली जॉब से हासिल किया है सो यू शुड टॉक अबाउट मे बी एजुकेशन टू सम एक्सटेंट बट टॉक मोर अबाउट द एक्सपीरियंसिस विच कुड बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपको इंटरव्यू किया जा रहा है तो दूसरा पॉइंट यह है कि इफ दे आस्क यू टू टॉक अबाउट योर You should talk about those things which are beneficial, which are which show compatibility between your skills and the skill needed by the organization for the job you have applied for. These point hai, they may ask you what are your short, medium, and long term goals. Up moderate three key sep neapko present ki, ki short-term goals, hai, ye mere medium term goals, long-term goals. Hai. But make a um, realistic and uh, um, realistic assessment, but with a very positive attitude that you like to grow in the job with the company, you like to excel yourself in the field in the uh, area you have applied uh, for So, employer the person is committed with the field. With the area, with the nature of job, so isliye shayad agar ye compatibility chal gai, employee ki or employer ki might continue working for many years for the organization. So isra ki assessment ke liye wo isra ka bhi kar sakte. Chotha, what have you accomplished so far? What have you done so far? What are your achievements? Now you may have many achievements, but Possibly, you should talk about those achievements on priority which are relevant to the job or to the organization. Yes, you may have accomplished something valuable in sports activities, but the job you are applying for, there is no of sports. So, you are a captain of a team or something. लेकिन वो शायद इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ना लेते हो बल्कि उस चीज में लेते हो जो रेलेवेंट अकाम्पलिशमेंट्स हैं रेलिवेंट अचीवमेंट्स हैं वो अचीवमेंट विच आर रिलेटेड टू द जॉब और टू दर्गेनाइजेशन और द नेचर ऑफ वर्क विच यू वुड बी डूइंग इन द प्रोस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन पूछ सकते हैं वट आर योर स्ट्रेंथ वट आर योर वीकनेसेस एंड वंस अगेन यू शुड बी प्रिपेयर वट टू टॉक अबाउट एज फार एज यूर स्ट्रेंथ्स आर कंसर्न इंटरपर्सनल स्किल्स हो सकती हैं टेक्निकल स्किल्स हो सकती हैं टीम मेकिंग स्किल्स हो सकती हैं प्रॉब्लम सॉल्वर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो कौन सी स्ट्रेंग्स हैं जो जिसमें आप महसूस करते हैं कि आपके पास वो दूसरों से दूसरों के निस्बत एज हो सकता है उनके बारे में बात कीजिए फिर मैंने पहले भी बात की थी एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट वो भी लेके जाए यानी अपनी वीकनेसेस का पता होगा तो आप इंप्रूवमेंट के बारे में बात कर सकते हैं अगला पॉइंट है वो पूछ सकते हैं हाउ डिड यू और हाउ डू यू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम एंड दे कैन गिव यू ए प्रॉब्लम हाउड यू सोल्व दिस प्रॉब्लम वु बी प्रिपेयर फॉर सच एन एक्सरसाइज

एक तो ये है ना वट डू यू थिंक योर सेल्फ अबाउट योर सेल्फ दूसरा है वट अदर पीपल थिंक अबाउट यू नाउ दिस इज अनदर लेवल ऑफ नोइंग अबाउट योर सेल्फ वन हाउ डू यू वट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड टू हाउ अदर पीपल थिंक अबाउट यू ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं लेकिन है एक ही चीज इस सेंस में कि ये आपको अपने बारे में इल्म कितना है हाउ डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड

अपनी स्ट्रेंथ्स को जानना जॉब को जानना ऑर्गेनाइजेशन को जानना यह उसी की ही डायमेंशन है कि आपसे पूछा है वट मेक्स यू थिंिंक यू विल भी सक्सेसफुल इन दिस जॉब और इन दिस बिजनेस अब यहां पे भी आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का वीकनेसेस का पता होना चाहिए जॉब की नेचर का पता होना चाहिए जॉब की रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करती है उसका पता होना चाहिए जब इन चीजों का पता होगा यू विल बी एबल टू टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री एंटिटीज थ्री आइटम्स विच कुड शो टू दॉस्पेक्टिव एम्प्लॉय और टू द इंटरव्यूअर्स दैट यू विल बी सक्सेसफुल इन द जॉब यू हैव यू आर बींग इंटरव्यूड फॉर एक सवाल आपसे ये पूछ सकते हैं रेप्यूटेशन है इन सवालों में बट दैट इज पॉइंट

हमारे मुल्क में तो बिजली चलेगी तो कई काम नहीं होते कोई किसी तरह की डेडलाइन आ गई कोई दो वर्कर नहीं आए तो प्रेशर बढ़ गया ये भी जानना चाहेंगे एम्प्लॉयर्स जनरली तो सवाल इस तरह का पूछ सकते हैं डिस्क्राइब हाउ वेल यू वर्क अंडर प्रेशर तो अंडर प्रेशर क्या आप काम कर सकते हैं या आपकी काम करने की एबिलिटी कम हो जाती है या आप इस तरह के चैलेंज को भी फेस कर जाते हैं और सक्सेसफुली फेस कर जाते हैं ये आपका एम्प्लॉयर इंटरेस्टेड होता है इस तरह की चीजों में अंडर प्रेशर क्योंकि ये प्रेशर वाली मैंने जैसे बातें की ये प्रेशर आजकल होते ही रहते हैं पैदा होते ही रहते हैं कंडीशन इस तरह की पैदा होती रहती है ट्रैफिक में फंस गए दो लोग नहीं पहुंच सके और डट से बैंक में आप काम करते हैं नहीं आ सके दो लोग और वहां पे दूसरे दो लोगों का भी आपको काम करना पड़ रहा है वेदर यू कैन सक्सेसफुली मैनेज दिचुएशन और नॉट ये भी एम्प्लॉयर जानना चाहेगा कि आपके अंदर यह स्किल है या नहीं है एकमेंट की बात वट द बिगेस्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्म्प्लिशमेंट और अचीवमेंट यू हैव हैड सो फार अब यह भी अगर इस तरह का सवाल भी किया जाता है तो एम्प्लॉयर बेसिकली जानना ये चाहता है कि आपकी स्किल्स क्या हैं, आपकी वो कौन सी स्किल्स हैं जो एम्प्लॉयर के लिए यूजफुल है तो वो अकम्पलिशमेंट जो आपकी है अगर तो रेलीवेंट है तो बहुत अच्छी है अगर रेलिवेंट नहीं भी है लेकिन वो इंपॉर्टेंट एकॉम्पलिशमेंट है आपकी लेट्स से वंस अगेन जैसे यू वर ए कैप्टन ऑफ ए टीम स्पोर्ट्स की एक्टिविटी थी उसमें आपने दो साल एक साल छह महीने या किसी टूर्नामेंट को जीता ऑल इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेवेंट बट इट विल बी ए प्लस फॉर यू तो इसलिए अगर कोई अकम्पलिशमेंट है तो उसके बारे में भी बी प्रिपेयर या दैट यू कुड बी आस्क ए क्वेश्चन अबाउट यूर अकम्पलिशमेंट मे बी मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट और अकम्प्लिशमेंट आपसे डायरेक्ट सवाल इस तरह के भी हो सकता है वट डू यू नो अबाउट द फर्म दर्गेनाइजेशन और द कंपनी यू हैव अप्लाइड उसके बारे में आपके पास क्या इल्म है कितनी बड़ी है इसकी कोई ब्रांचेस हैं इसके कितने एंप्लॉयज हैं किस तरह की प्रोडक्ट बनाते हैं क्या किस तरह का कल्चर है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है या मैनुफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है या मे बी बोथ ये सारा जानना इसके बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में जानना आजकल तो खैर ये काम काफी हद तक आसान भी हो चुका है थ्रू इंटरनेट मैनी कंपनीज हैव देयर वेबसाइट यू कैन सीक इंफॉर्मेशन अबाउट दैट कंपनी फ्राम दैट फ्रॉम देअर वेबसाइट तो ये काफी हद तक आसान हो चुका है तो इसलिए

एग्जाम्पल यह भी हो सकता है कि क्लास रूम सिचुएशन है यू आर बींग इंटरव्यूड फॉर ए टीचिंग पोजिशन आपको शायद ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पर खड़ा कर दें ये सामने स्टूडेंट्स बैठा दें ओके दिस इज द सिचुएशन यू यू आर एक्सपेक्टेड टू टीच दिस पर्टिकुलर टॉपिक और ये आपके लिए एने वे प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए दी गई दैट स्टूडेंट्स शुड भी सेटिस्फाइड विद योर टीचिंग इस तरह की बात भी हो सकती है अब ये सारे सवाल जो अब तक मैंने आपके साथ शेयर किए जो पूछे जा सकते हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने आप को तैयार करना चाहिए कुछ एक दो पॉइंट्स अपने आपको तैयार करने के लिए मैं और आपसे शेयर करता हूँ आपके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड है एजुकेशनल एक्सपीरियंस है एजुकेशन की हिस्ट्री है आपके पास डिफरेंट ट्रेनिंग की हिस्ट्री है आपने मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स हासिल की होंगी राइट डाउन दोज एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, दो ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस, उनको एक समरी की शक्ल में लिख लें वो समरी आपकी आपको आपकी मेमरी में डाल देगी बहुत सारी चीजें विच कुड बी टॉक्ड अबाउट वैन एज एंड वैन पर्टनेंट क्वेश्चन आर आस्ड बाय दूर्स आर बाय द एम्प्लॉयर और दर्गेनाइजेशन अगर मैं आपको स्लाइड पर लेके जाऊ तो ये जो रेलिवेंट एजुकेशनल एक्सपीरियंस है इसके कौन से आस्पेक्ट्स हैं जिनको आप समराइज करके अपने साथ ले जाएं या अपनी जब ये समराइज करेंगे तो आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाएंगे एंड विल बी यूजफुल टू यू इफ यू डू दिस एक्सरसाइज बिफोर यू गो फॉर द इंटरव्यू दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग योरसेल्फ़ फॉर द इंटरव्यू समरी की बात की अटिकुलेट योर पोटेंशियल स्किल्स एंड एबिलिटीज कौन सी स्किल्स हैं और कौन सी एबिलिटीज हैं जो पॉट है फॉर दर्गेनाइजेशन यूर

उन स्किल्स और एबिलिटीज को आपने यूज भी किया या वो आपके पास मौजूद हैं और आप समझते हैं कि आप हैं डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए जरूरी है कि आप एग्जाम्पल के जरिए बता सकें कि ये आपकी स्किल ये आपकी एबिलिटी आपने इस काम को करने के लिए या इस ऑर्गेनाइजेशन में इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए की यह आपको एग्जाम्पल्स देनी पड़ेगी बिकॉज यू नीड टू डिमोन्स्ट्रेट Use of those skills of yours which you claim that you have. Write down once again your strengths and weaknesses. I've talked about these things enough, but now I am emphasizing to put them down on a piece of paper. When you have to articulate concepts Discuss your work and co curricular activities and other experiences in detail. job interview short, ho. that job interview is in So be prepared for a detailed interview. Don't presume that you will be interviewed for a few minutes or something. It could, it could go for longer, although others may be interviewed for lesser amount of time. बली बी इंट्रीब्यूट फॉर अ लॉन्ग अर टाइम तो इसलिए अपने बारे में काफी कुछ सोच के लिख के अर्टिकुलेट करके कुछ कॉन्सेप्ट कुछ वर्ड्स दे के अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा अपने करियर गोल्स उनको अर्टिकुलेट करें अपने करियर के ऑब्जेक्टिव उनको अर्टिकुलेट करें जैसे मैंने पहले कहा शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म ये उनको भी अर्टिकुलेट करें कि आज ये मैं करना चाहता हूं फिर मेरा गोल इस तरह का है फिर मेरा गोल इस तरह का है जैसे मैंने कहा शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म फिर यू शुड नो यू डू यू वन वर्क इन द फील्ड इन द डेस्क और समवेयर एल्स जो आपकी प्रायोरिटी है ये भी आपको जानना चाहिए कोई प्रॉब्लम्स हैं काम करने में वो प्रॉब्लम्स का भी आपको वीकनेसेस का जैसे मैंने कहा पता होना चाहिए ये भी आप सोच लीजिए कि अगर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनमें आप निगोशियट कर सकते हैं मिसाल के तौर पे सैलरी पे पैकेज जियोग्राफिकल लोकेशन हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांचेस काफी हों एक शहर में कई जगह हो सकती हैं दूसरे शहरों में भी हो सकती हैं आर यू विलिंग टू रीलोकेट कैन यू वर्क इन अदर जियोग्राफिकल लोकेशन एन आर ये भी आप देख लीजिए जैसे अभी मैंने एजुकेशन के एक्सपीरियसिस को अर्टिकुलेट करने के लिए आपको एडवाइस किया सिमिलरली यू शुड ऑल्सो अर्टिकुलेट योअर वर्क एक्सपीरियंसिस द फंक्शन यू हैव परफॉर्मड इन अदर ऑर्गेनाइजेश मिशन क्या है आपका गोल क्या है फिर जिसके पास आप जा रहे हैं उनके बारे में जो समरी है वो बना लीजिए उनके कौन से डिविजन्स हैं कौन सी सब्सिडरीज है कौन सी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करते हैं कौन सी पोजिशंस उस कंपनी में मौजूद है कौन से करियर पाथस मौजूद है उनकी सेल्स उनकी अर्निंग्स क्या है उनके कंपेटिटर्स कौन हैं? लोकेशन कहाँ पे है प्रोजेक्ट कौन से हैं क्या ट्रेंड्स है ये कंपनी जा रही है? ये के जा रही है? ये प्रोडक्ट्स की इनोवेशन किधर जा रही है ये सारी चीजें आप एक समरी की शक्ल में लिख लीजिए जब आप लिखेंगे कई चीजें आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाएंगे इसके बाद एक आखिरी पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस करता हूँ फिर लेक्चर को एंड करता हूँ वो बाज एम्प्लॉयर्स बाज ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी करती है साइकोलॉजिकल टेस्ट पांच तरह के होते हैं अचीवमेंट टेस्ट है जिसमें एप्लीकेंट की या कैंडिडेट की का नॉलेज स्किल्स वो टेस्ट किए जाते हैं को पास में अगर अचीवमेंट है वो भी शायद इसमें शामिल हो जाएंगी फिर दूसरा टेस्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट है ये भी एप्लीकेंट्स की कैपेसिटी और पोटेंशियल फॉर सेटिस्फेक्ट्री परफॉर्मेंस ऑन द जॉब उसके लिए है कोई ट्रेनिंग के रेफरेंस से पूछा जा सकता है वेद यू लाइक टू लर्न और आर्ट वो इस तरह की चीजें हैं फिर पर्सनैलिटी टेस्ट जिसमें इंटरपर्सनल स्किल्स पर्सनल ट्रेड्स पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स जिनका जॉब परफॉर्मेंस के साथ ताल्लुक है वो टेस्ट किए जाते हैं इंटरेस्ट मेजर्स के या इंटरेस्ट को टेस्ट करने के लिए हाउ इंटरेस्टेड यू आर इन द जॉब हाउ एंगेज यू आर इन सर्टन जॉब एक्टिविटीज उसको टेस्ट करने के लिए भी टेस्ट मौजूद हैं एक पांचवा है जिसको हम ऑनस्टली टेस्ट करते हैं एम्प्लॉयर्स ऑनेस्ट एम्प्लॉज को हायर करते हैं उसके लिए भी आजकल कई टेस्ट बन चुके हैं जिनके जरिए आपकी ट्रूथफुलनेस या लाए करने की टेंडेंसी को टेस्ट किया जा सकता है वो कई तरीके हैं कई फॉर्म्स हैं पॉलीग्राफ है या कुछ और है ये चीजें यूज की जाती हैं आखिरी बात ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अलावा आजकल फिजिकल एग्जामिनेशन भी होते हैं फिजिकल टेस्ट भी होता है कि कोई खुदा नखास्ता बीमारी तो नहीं है विच कोड बी प्रोहिबिटिव, विच कुड बी प्रॉब्लमैटिक फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और फॉर द एम्प्लॉयर इन टर्म्स ऑफ डूइंग द जॉब विच यू आर बीइंग इंटरव्यूड फॉर तो उसके लिए भी तैयार रहिए कि बाज ऑर्गेनाइजेशन आपसे अपना साइकोलॉजिकल टेस्ट के अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन आपके करवाती हैं जिसमें

Learn about yourself, learn about the job you have applied for, and learn about the company, about the employer, about the organization. culture. Then ask yourself a question What can you do for the organization, for the benefit of the organization? If you can do good for the organization, if you can be highly beneficial for the organization. The organization is going to hire you. The organization is going to recruit you. If you keep all these things in your mind, you prepare yourself for the job interview. Let me assure you that you will enhance the chances of your successful interview, and you will be hired for the job. So, in मैं आज का लेक्चर एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने सीखा होगा कि आप कैसे अपने आप को किसी जॉब इंटरव्यू के लिए तैयार कर सकते हैं इजाज़त चाहता हूं खुदा हाफिज अलकम